अर्थ स्थित प्रज्ञ महापुरुष। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मस्ती में चल रहे हैं? तो चलिए देखिए, हम लोग पढ़ते पढ़ते रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कहां तक आ गए हैं, टेंथ लेक्चर तक आ गए हैं, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। टेस्ट ट्यूब बेबी, जैसा कि आप नाम से स्पष्ट है कि टेस्ट ट्यूब बेबी बच्चे होंगे, पर टेस्ट ट्यूब में होंगे, शरीर से बाहर होंगे। तो इस पद्धति को जानते हैं, इस तकनीकी में होता क्या है, इस तकनीकी में होता क्या है, ये क्या है कि इनविट्रो आईवीएफ का एक प्रकार है, जिसमें से दो तो हम लोग पिछले लेक्चर में देखे हैं, 09 में देखे थे, और 10th में हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी को कवर कर रहे हैं। छोटी छोटी वीडियो हो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में होता क्या है कि ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन तो होनी चाहिए बॉडी की, जैसे जैसे शरीर का कंडीशन है, जैसे शरीर की स्थिति है, वैसी ही स्थिति किसकी होनी चाहिए, बाहर के बाहर जहां पर आप फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं वहां की परिस्थिति होनी चाहिए। तो इस टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि अब देखिए, डोनर मेल या डोनर ओवम, जिस महिला से या स्वस्थ हेल्दी ओमेन से, मतलब स्वस्थ स्त्री से ओवम और स्वस्थ पुरुष से स्पर्म कलेक्ट करके टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, तथा उस फर्टिलाइजेशन के बाद टेस्ट ट्यूब में ही कुछ एक निश्चित अवस्था तक उसकी डेवलपमेंट कराई जाती है। उसके बाद प्राकृतिक विकास के लिए, नेचुरल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक फीमेल, जिस फीमेल को इसकी आवश्यकता है, उस फीमेल के यूट्रस में इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इस तकनीकी से उत्पन्न चाइल्ड को क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। अब आप कहेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी सबसे पहले कहां उत्पन्न हुआ था, तो आपको बता दें कि सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी 1978 ईस्वी में इंग्लैंड में उत्पन्न किया गया था। उसके बाद हमारे भारत में भी इसकी उत्पन्न हुई 1986 ईस्वी में मुंबई के केईएम हॉस्पिटल में। और जो उत्पन्न होने वाले चाइल्ड थे उसका क्या नाम था, हर्षा चौडा, जो 2015 में 29 वर्ष की थी और सफलतापूर्वक वो एक मां बनी है। तो चलिए लिख लेते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है। लिख रहे हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, इस पर टिप्पणी कहता है करने के लिए, नोट करने के लिए, और एग्जाम्पल भी, ऑब्जेक्टिव भी इससे पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसको नोट करें, कैसे नोट करेंगे, लिखिए, हेल्दी ओमेन से ओभम तथा हेल्दी मेन से स्पर्म कलेक्ट कर टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, जिस टेस्ट ट्यूब की स्थिति शारीरिक स्थिति के समान होती है, तत्पश्चात फर्टिलाइज ओवम या जायगोट का विकास टेस्ट ट्यूब में ही एक निश्चित अवस्था तक करवाई जाती है। पूर्णविराम। उसके बाद बच्चे के प्राकृतिक विकास हेतु आवश्यकतामंद स्त्री या फीमेल या ओमेन आवश्यकतामंद फीमेल के यूट्रस में स्थानांतरित कर दिया जाता है। लिख लिए, इस तकनीकी से उत्पन्न
इस तकनीकी से उत्पन्न चाइल्ड को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इस तकनीकी से उत्पन्न चाइल्ड को क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ठीक, नीचे एरो देकर के लिखेंगे। सर्वप्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का सफल जन्म या बर्थ, सफल जन्म 1978 ईस्वी में इंग्लैंड में किया गया था। सर्वप्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का सफल जन्म 1978 ईस्वी में इंग्लैंड में किया गया था। लिख लिए, चलिए। तो सर्वप्रथम इतना में, नेक्स्ट पॉइंट में, भारत में 1986 ईस्वी में मुंबई के KEM हॉस्पिटल, नाम देख ले, KEM हॉस्पिटल, मुंबई के KEM हॉस्पिटल में टेस्ट ट्यूब बेबी उत्पन्न किया गया। टेस्ट ट्यूब बेबी उत्पन्न किया गया जिसका नाम हर्षा चौड़ा रखा गया। तो इस प्रकार टेस्ट ट्यूब बेबी की सिलसिला भारत में कब से प्रारंभ होती है? 1986 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम किस हॉस्पिटल में? मुंबई के KEM हॉस्पिटल में हर्षा चौड़ा नामक टेस्ट ट्यूब बेबी के उत्पन्न की गई। विश्व में सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1978 ईस्वी में टेस्ट ट्यूब बेबी उत्पन्न किए गए। और टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि अन्य दो तकनीकियां जो आपने पढ़ा, ZIFT IUT, उनसे टेस्ट ट्यूब बेबी भिन्न होता है, क्योंकि इसमें बच्चे को एक निश्चित अवस्था तक टेस्ट ट्यूब में ही विकसित करवाया जाता है। उसके बाद बच्चे के प्राकृतिक विकास के लिए जिस स्त्री को बच्चे की आवश्यकता है उसके यूट्रस में इसको फिट कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है, तब वो बच्चे नेचुरली क्या होते हैं कि मां के गर्भ से जन्म लेते हैं। तो इस तकनीकी से उत्पन्न संतति को क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको टेस्ट ट्यूब बेबी समझ में आए होंगे। यदि आप हमारे साथ अभी अभी जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, मित्रों में शेयर कर दीजिए। यदि आपको समझ में आए तो दूसरों को भी समझाइए। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।